जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी तो फाइनली दोस्तों खिलाड़ी भैया से बॉलीवुड भैया बने अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन को रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने अब तक इंडिया से और देश के अन्य सिनेमाघरों से अब तक कितने करोड़ की कमाई की है आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है या हुई है जीरो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फैन हैं और इस फिल्म ने भी आपका दिल जीत लिया है तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्षय कुमार जो इस साल में 3 फिल्में ला चुके हैं और ये इनकी इस साल की 3री फिल्म है जिसे देश भर के सिनेमाघरों में 2800 से 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ये फिल्म भाई बहन के प्यार, उनके बीच की नोकझोंक और उनके बीच की बॉन्डिंग को बताती हुई फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों आनंद एल राय ने, जो कि इससे पहले रांझना, तनु वेट्स मनु और तनु वेट्स मनु रिटर्न जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। मात्र 60 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों कुछ लोग इस मूवी को बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में रक्षाबंधन से रिलेटेड ABC नहीं दिखाया गया है। दोस्तों काफी सारे ऐसे हेटर्स हैं जो इस फिल्म की काफी ज्यादा नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती नजर आ रही है। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की तो इस फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई की है और साथ ही साथ इरोज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे आउटस्टैंडिंग रिस्पांस के कारण इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छा होल्ड किया है। इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां केवल 6 करोड़ 20 लाख की कमाई की है, वहीं बात करें अगर वर्ल्ड वाइज बॉक्स ऑफिस की तो वहां इसका आंकड़ा लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसे में ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस में 18 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पे लगभग 24 करोड़ रुपए की कमाई की और सभी हेटर्स की बोलती बंद की जो फालतू में इसे बॉयकॉट कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के 3रे दिन की कलेक्शन की। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म की 3रे दिन की कमाई भी लाजवाब रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की कलेक्शन अपने पहले ही दिन की तरह लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास की है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का 3 दिनों का कलेक्शन लगभग 28 करोड़ के आसपास का है। आपको बताते चले दोस्तों कि अक्षय कुमार की इस फिल्म को हिट होने के लिए 70 से 80 करोड़ की कमाई होनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म का बजट मात्र 60 करोड़ रुपया है। अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म रक्षाबंधन को खुद ही प्रोड्यूस किया है, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई तो उन सभी हेटर्स की बोलती बंद हो जाएगी जो इसमें फालतू की कमियां निकाल रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप बॉलीवुड से जुड़ी हर न्यूज़ को सबसे पहले पा सकें।